अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा मैसेंजर की न्यू ट्रिक्स है, न्यू अपडेट ट्रिक्स है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन का बटन है दोस्तों उसको ही प्रेस कीजिए ताकि टेक्नोलॉजी के बारे में आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैसेंजर मैं अपना ओपन कर लेता हूँ, ये देख सकते हैं। अब आप किसी कोई मैसेज करेंगे तो अगर आपके अगर मैसेज डिलीट करना चाहते हैं तो वो मैसेज आपसे भी डिलीट हो जाएगा, आपकी तरफ से ही डिलीट हो जाएगा, उसकी तरफ से भी डिलीट हो जाएगा, जैसे व्हाट्सएप पे है, ठीक है। अभी मैं कोई तस्वीर जहाँ पे भेजता हूँ, जहाँ पे देखिए आप, मैं जहाँ पे तस्वीर भेज रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैं तस्वीर जहाँ पर भेज रहा हूँ, अभी देख सकते हैं ये तस्वीर अभी मैंने सेंड की है। अभी अभी जैसे ही ओके होती है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये अभी तस्वीर सेंड कर दी है तो मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ। ये पहुँच चुकी है, देखिए ये अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, ये रिमूव फॉर यू, मतलब अगर आप अपनी तरफ से डिलीट करना चाहते हो तो नीचे वाला ऑप्शन आपने टच करना। अगर आप चाहते हैं कि दोनों साइडों से हो, आपकी तरफ से भी हो तो उसकी तरफ भी हो जिसको आपने सेंड किया, तो आपने ऊपर वाला टच करना है। तो मैं ऊपर वाला टच करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अगले जिस आदमी को सेंड किया उसकी तरफ से भी डिलीट हो जाएगा और आपकी तरफ से भी डिलीट हो जाएगा ये पिक्चर। देखिए अभी ये डिलीट कर रहा हूँ, अभी मैंने सेंड किया, ये अभी डिलीट हो चुका है, देख सकते हैं ये डिलीट हो चुका है, यू रिमूव ए मैसेज, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल वॉच करना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है। तो मैं आईडी दूसरी खोल लेता हूँ जिस पर मैंने पिक्चर सेंड की है, वो आईडी ओपन करता हूँ मैसेंजर, ये देखिए मैंने दोस्तों मैसेंजर ओपन किया, मैं आपको दिखा देता हूँ। जहाँ पे देखिए जिस आईडी से मैंने सेंड किया वो आईडी आ चुकी है, जहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, जहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो जो सेंड किया था वो डिलीट हो चुका है मेरे पास। जब डिलीट होने से पहले तो आ चुका था जहाँ पे, तो जब डिलीट किया तो वो फ़ोटो जहाँ से भी डिलीट हो चुका है उसकी तरफ से। अगर आप किसी को सेंड करेंगे कोई भी मैसेज, आपसे गलती से कोई पिक्चर सेंड हो जाती है, कोई तस्वीर गलती से सेंड हो जाती है, तो वो आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। वो आप आसान तरीके से डिलीट कर सकते हैं, कोई मैसेज गलत हो जाता है तो आप ना डिलीट कर सकते हैं। आप जैसे व्हाट्सअप से डिलीट हो जाता है, ऐसे मैसेंजर पे भी न्यू अपडेट आया है, तो ये अपडेट बहुत ही अच्छा है क्योंकि अगर मेरे से गलती से कोई भी मैसेज चला जाता है तो मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। पहले तो ऐसा नहीं था रूल कि डिलीट होने वाला, के देख सकते हैं अब आप आसान तरीके से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अभी आसान तरीके से डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला था, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को दोस्तों लाजमी लाइक करना, अगली वीडियो मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।